क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आपको टाइप करके बताना है कमेंट बॉक्स में। थर्मल ओवरलोड जो रिले होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, वोल्टता के ऊपर या ऊष्मा के ऊपर या आवर्ती के ऊपर या शक्ति के ऊपर, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। कई बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन, थर्मल ओवरलोड लोड जो रिले होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊष्मा के ऊपर आधारित होती है, यानी नाम से पता चलता है। ये देखिए थर्मल ओवरलोड रिले, यानी थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, ऊष्मा या ताप ये बोल सकते हैं इसको, यानी ये ऊष्मा के ऊपर या ताप के ऊपर आधारित होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला हमारा क्वेश्चन है दो नंबर, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। वह तापमान कौन सा है जिसके ऊपर किसी टंगस्टन जो फिलामेंट गैस भरा जो लैंप होता है वो कार्य करता है, 1035 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री सेल्सियस या 2300 डिग्री सेल्सियस, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। वह तापमान कौन सा है जिसके ऊपर कोई भी टंगस्टन फिलामेंट वाला गैस से भरा लैंप होता है वो कार्य करता है, या ऐसा मान लीजिए जो आर्गन गैस भरा लैंप होता है वो कार्य करता है जिसका फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना हुआ है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तीन नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आर्मेचर चालकों को सोल्डर करने के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था जो 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन। आर्मेचर चालकों को सोल्डर करने के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। काइनाल या एरा नंबर 7 होता है वो, या रेजीन वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह आप सभी के लिए जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए सी, यानी रेजीन वाला जो फ्लक्स होता है वो काम में लिया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाए सी। आर्मेचर चालकों को सोल्डर करने के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, रेजीन वाला। अगला वर्ग क्वेश्चन चार नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। छत के पंखे में संधारित्र या कैपेसिटर प्रयोग में लिया जाता है, कला विघटन के लिए या शक्ति गुणक होता है उसके सुधार के लिए, या इसको पावर फैक्टर बोल सकते हैं उसको सुधारने के लिए, या जो स्टार्टिंग बल घूर्णन या प्रारंभन बल घूर्णन या स्टार्टिंग टॉर्क बोल सकते हैं वो उत्पन्न करने के लिए, या उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। छत के पंखे में कैपेसिटर प्रयोग में लिया जाता है, क्या कारण होता है कैपेसिटर प्रयोग में लेने का। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। इसका मतलब है एक तो कला विघटन होती है उसके लिए, एक जो पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए, एक जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बढ़ाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए, यानी तीनों आंसर हो जाएंगे इसके, डी ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पाँच नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। यदि छोटे ट्रांसफार्मर का इनपुट 15 वोल्ट एम्पियर है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर है या परिणामित्र है उसका इनपुट कितना है 15 वोल्ट एम्पियर, तो 80% दक्षता होने पर वोल्ट एम्पियर में आउटपुट कितना होगा यह पूछा गया है। 15 वोल्ट एम्पियर, 12 वोल्ट एम्पियर या 10 वोल्ट एम्पियर या 8 वोल्ट एम्पियर, यानी 20% की उसके अंदर हानियाँ हो गई, बाकी कितनी बची 80% दक्षता। अगर 80% दक्षता होगी तो हमें आउटपुट कितना वोल्ट एम्पियर प्राप्त होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। जिस भी कैंडिडेट को आंसर आता है जैसा भी आता है टाइप कर दीजिए, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। तो यहाँ पे इनपुट कितनी है दोस्तों 15 वोल्ट एम्पियर, यानी 15 वोल्ट एम्पियर दे रखी है, तो 80% की दक्षता निकालनी है हमें, यानी 20% माइनस हो गया, तो 15 का 20% कितना हो गया 3 वोल्ट एम्पियर, यानी 15 माइनस 3 वोल्ट एम्पियर घटा देंगे तो इसका मतलब 12 वोल्ट एम्पियर हमें आउटपुट प्राप्त होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में 2 समीपवर्ती पोल होते हैं, या जो निकटवर्ती या जो पास पास वाले जो पोल्स होते हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, परिणामी पिच बोला जाता है या कम्यूटेटर पिच बोला जाता है या पोल पिच बोला जाता है या औसतन पिच बोला जाता है, कौन सा आंसर होगा
आर्मेचर वाइंडिंग में दो समीपवर्ती या जो पास पास वाले जो पोल्स होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उनको पोल पिच बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी मोटर को पुनः लपेटना है या द्वारा वाइंडिंग करनी है, कोई भी मोटर है या रीवाइंड करना है उसको, तो जिसका संचालन तापमान कितना है 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस उसका संचालन तापमान है, तो आप कौन से इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है इंसुलेटिंग पदार्थ का और उनके तापमान का, यानी इनकी भी कैटेगरी होती है अलग अलग, इनको भी तापमान के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जो फाइबर अबरक कपास या तेल में डूबे जो कागज होते हैं इन सभी को, यानी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। सभी की तापमान सहने की सीमा होती है, कौन सा अचालक पदार्थ या कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ कितना तापमान सहन कर सकता है, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है 130 डिग्री का तापमान सहन करवाना है हमें, तो आप कौन से इंसुलेटिंग पदार्थ को चयन करेंगे, फाइबर का, अबरक का या कपास का या तेल में डूबा हुआ जो कागज होता है उसका, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अबरक, जिसको माइका बोला जाता है, हमेशा इसका उपयोग करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तापमान का जल्दी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अबरक का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी आर्मेचर में खालिस्तान बेंडिंग की जाती है, बेंडिंग क्यों की जाती है, आर्मेचर चालकों को आपस में बांधने के लिए की जाती है या ओवरहेग को इंसुलेट करने के लिए की जाती है, या ओवरहेग होता है उसको बांधने के लिए की जाती है, या आर्मेचर चालकों की जो लीड होती है उनके जो अंतः सिरे या जो एंड सिरे होते हैं उनको बांधने के लिए की जाती है, या जो हम वायर बाहर निकालते हैं आउटपुट होती है, जैसे मान लो 2 स्टार्टिंग होगी 2 रनिंग होगी, उनको बांधने के लिए की जाती है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए, डीसी आर्मेचर में बेंडिंग क्यों की जाती है, हमेशा आपने देखा होगा वाइंडिंग्स को बांधा जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्मेचर जो चालक होते हैं उनको आपस में बांधने के लिए डीसी आर्मेचर में बेंडिंग की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्थायी कैपेसिटर मोटर या स्थायी जो दारित्र मोटर होती है उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, जल्दी से बता दीजिए। स्थायी दारित्र मोटर या जो स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, स्कैन वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है, या फ्लैप लूप वाइंडिंग की जाती है, कौन सा आंसर होगा। यह भी डीएमआरसी में पूछा जाता है क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछा भी गया है। स्थायी दारित्र या स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी स्कैन वाइंडिंग की जाती है उसके अंदर, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्टार्टिंग के समय यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसके द्वारा विकसित बल आघूर्ण या जो टोरक होता है उत्पन्न होने वाला, वो रनिंग बल आघूर्ण का कितना प्रतिशत होता है, 100%, 200% या 450% या 500%, कौन सा आंसर होगा। स्टार्टिंग के समय कोई भी एक यूनिवर्सल मोटर है उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण है वो रनिंग बल आघूर्ण का कितना प्रतिशत होता है, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 450% होता है रनिंग बल आघूर्ण का, जो स्टार्टिंग के समय जो उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण होता है, यानी उसकी स्पीड 4.5 गुना ज्यादा होती है। जैसे मान लो 1000 राउंड प्रति मिनट है, एक सामान्य यूनिवर्सल मोटर चल रही है 1000 RPM पर, तो उसकी जो स्टार्टिंग स्पीड होती है वो कितनी हो जाएगी, 4500 या 4500 RPM, यानी 450% हो जाती है इसका बल आघूर्ण, या 4.5 गुना भी मान सकते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक कलीय या सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर होती है या इंडक्शन मोटर मान लीजिए इसको, तो उसका जो आरंभिक बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है, उच्च होता है, संयत होता है, न्यून होता है या शून्य होता है, कौन सा आंसर होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आरंभिक बल आघूर्ण
किस प्रकार का होता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शून्य होता है हमेशा बला गुणन। इंडक्शन मोटर की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, प्रेरण मोटर को इंडक्शन मोटर बोला जाता है या इंडक्शन मोटर को प्रेरण मोटर बोल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। श्रेणी मोटर की तुलना में जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसके अंदर वायु अंतराल किस प्रकार का होता है? बराबर होता है या कम होता है या अधिक होता है या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा? एक सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर, उसकी तुलना करें अगर हम कोई भी यूनिवर्सल मोटर या सार्वत्रिक मोटर होती है उसके साथ, तो जो वायु अंतराल होता है वो किस प्रकार का होगा श्रेणी मोटर की तुलना में? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कम होता है हमेशा, आपको याद रखना है, श्रेणी मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर का, और श्रेणी मोटर का यूनिवर्सल मोटर की तुलना में ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, सामान्य जो घरेलू खाद मिक्सर होता है या जूसर या ग्राइंडर बोल सकते हैं, तो उसके अंदर स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि काम में ली जाती है स्पीड कंट्रोल के लिए जो खाद मिक्सर होते हैं उसके अंदर? टैप्ड फील्ड या आर्मेचर कंट्रोल विधि या फील्ड डायरेक्टर या वोल्टेज कंट्रोल? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए, जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी टैप्ड फील्ड, यानी इसका मतलब है जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर से अलग अलग टैपिंग निकाली जाती है कम या अधिक मान की, जिससे कि उसकी स्पीड निर्धारित की जाती है। जैसे मान लो पहली है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है तो उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और तीसरी जो टैप फील्ड निकाली जाती है, टैपिंग निकाली जाती है, उसके अंदर जैसे मान लो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो उसके अंदर स्पीड सबसे कम होगी। इसी प्रकार से जो खाद्य मिक्सर होता है उसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है टैप्ड फील्ड विधि के द्वारा, इसी को टैप्ड फील्ड विधि बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 14 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। संधारित्र प्रकार या कैपेसिटर प्रकार की पंखा मोटर में संधारित्र लघु परिपथ हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है, यानी कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है एक मोटर के अंदर, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो पंखा क्या चलेगा या नहीं चलेगा या शॉर्ट पैदा करेगा या धीरे चलेगा? कौन सा आंसर होगा चारों में से? अगर संधारित्र लघु परिपथ हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पंखा शोर के साथ चलेगा या नहीं चलेगा या तेज चलेगा या धीरे चलेगा? कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी अगर संधारित्र शॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है जो मोटर है वो रुक जाएगी, नहीं चलेगी, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से किस प्रकार की एकल फेज या सिंगल फेज मोटर होती है वो पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप में कार्य करती है? यूनिवर्सल मोटर होती है या रिप्लेसमेंट मोटर होती है या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है या कैपेसिटर रन मोटर होती है? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर होती है जो पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप में कार्य करती है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यूनिवर्सल मोटर होती है।